सब्सक्राइब कीजिए अमल सबके लिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमल सबके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांझ औरत का इलाज गारंटी के साथ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको अमल का पूरा तरीका बताएंगे, बाद में फजीलत और इसके फायदे आपको बताने वाले। इस अमल की शर्त यह है कि आपको 7 दिन के रोजा रखना जरूरी है। जब आप रोजा रखना शुरू कर दें तो आपको पहले ही रोजे से जो है अफ्तार के वक्त में, ठीक है, अफ्तार से पहले पहले आपको जो है, या मुसव्विरु जो आपकी स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश अरबी में नजर आ रहा है, मैं पढ़कर सुनाता हूं, या मुसव्विरु आपको पढ़ना है। पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको जो है 21 यानी कि 21 मरतबा या मुसव्विरु पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना। पढ़ने के बाद पानी पर दम कर देना है और अफ्तार के वक्त में शोहर को भी और बीवी की भी दोनों को रोजा रखना जरूरी है। दोनों अफ्तार के वक्त में ये पानी जो है आधा आधा पी लें। इसी तरीके से 7 दिन तक 7 रोजे रखने हैं और 21 मरतबा पढ़ करके जो है रोजाना पानी पर दम करके दोनों को पीना है अल्लाह के फजल से। अल्लाह ने चाहा तो रब अपने फजल से जो है उन तमाम की जितनी भी बीमारियां हैं, बांझपन की जो परेशानियां हैं, उन सबको दूर कर देगा और उनको जल्द अज जल्द जो है औलाद की नियामत से जो है मालामाल फरमा देगा। इस अमल की फजीलत यह रहेगी क्योंकि यह अमल जो है रब तबारक व ताला के इसमें मुबारक का अमल है। इस अमल के पढ़ने के बाद औलाद की दौलत से जो है महरूम नहीं रह सकते, रब अपने फजल से जो है अपने करम से जो है उनको जरूर भी जरूर जो है औलाद अता फरमा देगा। बेहतरीन पावरफुल अमल है, 7 दिन का अमल है, आजमाएं और फायदा उठाएं। तो दोस्तों हमारा काम था ये वीडियो आप तक पहुंचाना। अब आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, यही हमारे लिए आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है कि दिल खोल करके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन घंटे का बटन जरूर दबा दें। हम दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।